हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति पराग शर्मा। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शकरकंद की चाट बनाना, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। शकरकंद की चाट बनाने के लिए, यानी कि स्वीट पोटैटो की चाट बनाने के लिए, सबसे पहले हम शकरकंद को धो लेंगे। आप मीडियम टाइप की या किसी भी साइज़ की शकरकंद ले सकते हैं। अब हम एक कुकर में पानी रखेंगे। आप इसमें पतीले में या किसी भी बर्तन में पानी रख सकते हैं गाइस। जितना सारी आपको शकरकंद रखनी है, उस हिसाब से आप बर्तन लें और उसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे गाइस। ये कुकर वाली जाली है जो कुकर के साथ आती है, लेकिन अगर आपके पास जाली जो है वो छोटे छोटे छेदों वाली हो, जिसमें सारी जगह बहुत सारे छेद हों, तो आप वही जाली यूज़ कीजिए। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इस जाली पर हम रख देंगे सारी शकरकंद जितनी भी इसमें आती है, और इसके बाद हम इसे एक प्लेट से, जो गहरी हो थोड़ी सी, उस टाइप की प्लेट से आप इसको ढक देंगे। आप पहले इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लें गाइस। कुकर में पानी और उसके ऊपर जाली, जाली में शकरकंद और ऊपर से एक प्लेट, हमें ऐसे ढकना है। कुकर में जो पानी है वो जैसे ही गर्म होगा तो जाली के अंदर से भाप आएगी और उससे शकरकंद पकेगी, और ये जो ऊपर प्लेट है उससे भाप बाहर नहीं निकलेगी, इससे आपकी शकरकंद जल्दी पक जाएगी। ठीक है गाइस, इससे आपकी शकरकंद की जो मिठास है वो बरकरार रहेगी। वो पानी में उबालने के बाद थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है शकरकंद, इसलिए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको पलटते ज़रूर रहें ताकि ऊपर नीचे से ये अच्छे तरीके से पक जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें ईजीली जा रहा है, बट इस वाली शकरकंद के अंदर नहीं जा रहा, तो हम इसको थोड़ी देर और ढक देंगे। एक बार फिर चेक कर लेंगे गाइस। चूल्हे में जैसे हम शकरकंद भूनते हैं ना, वो कितनी टेस्टी लगती है। अब यहाँ चूल्हा तो है नहीं, तो हम इस तरीके से अगर भूनेंगे तो ये उबली हुई शकरकंद से ज़्यादा टेस्टी होगी। और अगर आपके पास चूल्हा है या माइक्रोवेव, तो आप उसमें भून लें। मैंने माइक्रोवेव में नहीं भूनी है, क्योंकि हर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं होता, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। मैं दोनों ही तरीके से कर लेती हूँ। आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब गरम गरम की ही हम इसकी जो छिलका है वो निकाल लेंगे। और अब मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। आपको जैसे आकार पसंद हो आप उस टाइप का काट लें। बहुत ही सिंपल है गाइस, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ये सफ़ेद नमक है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर काला नमक। गाइस दोनों नमक हैं, वो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आपको जितना पसंद हो। वैसे इसमें जो कुछ भी पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग ही डालना होगा आपको, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। ये लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, बहुत थोड़ी सी। अभी मैं आपको पिंच से भी ये लाल मिर्च ही डाल रही हूँ, बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपको ईजी रहे आप वैसे डाल सकते हैं। ये है चाट मसाला गाइस। वैसे चम्मच से हम डाल रहे हैं, लेकिन पिंच से जब डालते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, तो आप ऐसे ही डालें, क्योंकि शकरकंद गर्म है, जहाँ पे आप डालेंगे वहीं पे ये चिपक जाएगा। तो अगर आप वैसे डालेंगे पिंच से तो बहुत इजीली डलता जाएगा। आपको जितना खट्टा पसंद है उतना आप चाट मसाला डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, क्योंकि मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है इसमें, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च बहुत कम डाली है गाइस। आपको अगर लाल मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हम इन सारे मसालों को मिक्सअप कर लेंगे गाइस। जो भी मैंने मसाले डाले हैं वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि जितना मैंने बताया है उतना ही आपको डालना है। अब इसको अच्छी तरीके से हिलाते हुए हम मिक्सअप कर लेंगे, ताकि सारा मसाला हर जगह अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने नींबू का रस कटोरी में निकाल लिया। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं, बट उससे थोड़ा बीज वगैरह आने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है। आपको जितना खट्टा पसंद है, जितना नींबू पसंद है, आप उतना डालें। अपनी टेस्ट के अनुसार आप इसमें मसाले एडिट कर सकते हैं गाइस। और देखिए, ये बहुत सिंपल है और इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस, आप बनाएंगे तो फिर देखना बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और इसके ऊपर डाल देंगे अब हम हरा धनिया। हरे धनिया डालते ही इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा गाइस, तो हरा धनिया डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना देगा। अगर आप हरे धनिया की चटनी बना के डाल सकते हैं तो क्या बात है। मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, जैसे मैं हिलाकर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको वैसे दिक्कत हो तो आप इससे स्पैचुला से भी मिला सकते हैं। मैंने इससे इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि अधिकतर शकरकंद टूट जाती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर ले। लीजिए, हमारी शकरकंद की चाट, यानी कि स्वीट पोटैटो चाट हो गई है तैयार। और आप इसका लुफ्त उठाइए, इंजॉय कीजिए चाट को। ये लगा दी मैंने टूथपिक,
और गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए, बनाइए, खाइए और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए गाइस। तो देखा गाइस कितनी सिंपल है ये बनाना, तो जल्दी से आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी है आपको वीडियो ये मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।